शिवसेना एनसीपी के टूट के बाद के समीकरण जो है वो किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एक सिनारियो हम यहाँ पर ले लें कि शिवसेना और एनसीपी की अगर टूट हो जाती है तो फिर दोनों धड़ों को अगर 50-50 जो है वो मिलता है तब क्या स्थिति होगी। तो 2019 का अगर हम वोट परसेंटेज देख रहे हैं तो 50.9% है, अनुमानित जो है वो 47% आ रहा है। और इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2019 में 31-32% के आसपास और 2024 का अनुमानित जो है वो करीब 36% आता हुआ नजर आता है अगर दोनों धड़ों को शिवसेना और एनसीपी के 50-50% मिलता है तब। अगर हम दूसरे सिनारियो पर यहाँ पर नज़र डालें, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो हैं यहाँ पर अगर 2/3 सहानुभूति वोट उन्हें मिल जाए तब क्या सिनेरियो होगा। तब 2024 का अनुमानित वोट जो है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर 40% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है 42% के साथ। और अगर हम यहाँ पर, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मोदी मैजिक है उसके नाम पर शिवसेना, क्योंकि पिछली बार एक साथ थे बीजेपी और शिवसेना, तो मोदी मैजिक के नाम पर जो वोट मिला था वो 1/4 था। अगर वो वापस एनडीए में शिफ्ट हो जाता है तब क्या सिनेरियो होगा। तो तब वापस यहाँ पर एनडीए को बढ़त नजर आती है 44.4% और यहाँ पर इंडिया गठबंधन पिछड़ता है। 2024 का अनुमानित वोट जो है वो 38% के आसपास नजर आता है। तो ये एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि क्या सहानुभूति वोट जो है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना खींच पाएंगे या फिर मोदी जो है जिनके नाम पर पूरी बीजेपी इस वक्त चुनाव लड़ रही है वो मायने रखेगा। तो यहाँ पर अमिताभ जी जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ट्विस्ट इसमें नज़र आ रहा है। सहानुभूति फैक्टर काम करेगा या मोदी फैक्टर इस पर नज़र रहेगी। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएं, सहानुभूति हासिल कर पाएंगे? देखिए, फैमिली बेस्ड पार्टी है, रीजनल पार्टी है दोनों, तो हो सकता है कि समर्थन उन्हें ज़्यादा मिले, लेकिन जैसा मैडम कह रही हैं 4 तारीख को ही पता चलेगा कि हुआ क्या एक्चुअली। लेकिन जैसा आपने दिखाया बड़ा दिलचस्प कि अगर आधा आधा सपोर्ट होगा तो एनडीए आगे है, अगर 2/3 सपोर्ट शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास है तो इंडिया ब्लॉक आगे हो जाता है। लेकिन वहां मोदी फैक्टर का भी ट्विस्ट है, 25% शिवसेना को जो वोट मिला है वो मोदी की वजह से मिला था, वो अगर बीजेपी रिटेन कर पाती है तो फिर से एनडीए अहेड दिखता है। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इस बार क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर भी अलग लड़ रहे हैं, तो दलित समाज का वोट उन्होंने पिछली बार भी अच्छा खासा ले लिया था, ओबीसी मराठा एक एजिटेशन रिजर्वेशन का भी एंगल है, दोनों समाजों ने भाजपा को जमकर वोट दिया था, इस बार हो सकता है थोड़ा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो, और मुस्लिम समाज जो है जिसने बढ़ चढ़कर कांग्रेस और एनसीपी को वोट दिया था, क्या वो शिवसेना कैंडिडेट्स को वोट करता है जब इंडिया ब्लॉक से वो खड़े होते हैं, ये सारी बातें जो है ये दिलचस्प बनाती हैं इस कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल मनीषा प्रियम जी, यहाँ पर आपने भी जिक्र किया पिछले सेगमेंट में ब्रेक से पहले कि सहानुभूति वोट मिलेगा नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरा चरण आते आते प्रचार की जो धार है, जो भाषा है, वो काफ़ी तीखी होती हुई नजर आ रही है। अब हमले एक दूसरे पर यहाँ पर हो रहे हैं, तो क्या ऐसी में जो प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी खड़ी है मैदान में, जो चौतरफा मुकाबला लड़ रही है, उसमें मोदी मैजिक एक बार फिर आपको लग रहा है महाराष्ट्र में काम आ पाएगा एनडीए गठबंधन के? ये भी मतलब मोदी मैजिक तो है ही है, मोदी मैजिक पे ही खड़ा है। इतना ज़्यादा जो आप बढ़त देख रही हैं वो बढ़त को आप माइनस मोदी मैजिक नहीं असेस कर सकती हैं। वो नागपुर की ही सीट जहाँ संघ का हेडक्वार्टर था वो मोदी मैजिक के आने के बाद तब जीता जाता है। तो मोदी मैजिक के बिना भाजपा वहाँ क्या है ये एनालिसिस करना जो है ये टोटली हाइपोथेसिस की बात है। तो मोदी मैजिक बीजेपी के लिए तो है ही है जी, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्रीय चुनाव में अब भी एक रीजनल सेंटिमेंट के साथ महाराष्ट्र में वोट होंगे, नंबर वन। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की मशीनरी जिसको कि खंडित हुई और उनके काफी दिग्गज नेता जो हैं वो सीधा सीधा छोड़ के और आए जी अशोक चव्हाण तक का आना। हाँ। तो इसके दो पहलू हैं, एक तो यह है कि कांग्रेस की एक बड़ा नेता चला जाता है तो उससे तो दिक्कत होती है। बिल्कुल। आखिर कांग्रेस के बड़े नेता जब जाएंगे तो उनको रिसीव सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर अब कौन बड़े नेता लोग हैं। लेकिन अब दूसरी बात हो जाती है कि नेता तो चले गए, उनके सपोर्टर्स जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो गए हैं कि नहीं, और महाराष्ट्र में थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है जिसको कि जिला की सरकारें कहते हैं या सब डिस्ट्रिक्ट सरकारें, वो बहुत मजबूत है। तो वो एक बात, अब इस पे डिटेल्स हमारे पास है नहीं कि जिला में कितने लोग गए कि कहाँ है कि नहीं है, तो वो एक एक्स फैक्टर है जरूरी। ये दोनों आप हाँ। दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे रखी है कि किस तरह से ओबीसी मराठा जो है वो वोट करेंगे, किस तरह से महाराष्ट्र की जनता जो है क्या वो रीजनल मुद्दों पर जाएगी या फिर सिर्फ चेहरे देखकर, जैसे कि मतदान किया जाता है कई बार वो भी देखने को मिलता है, वो